भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से यहाँ पे उपस्थित तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय आप सबको पता है, हाल ही में केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के 195 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया, जिसमें प्रथम चरण में अंडमान निकोबार से दीपों के 3 बार के सांसद और पार्टी के लोकप्रिय नेता माननीय विष्णुपद राय जी को अंडमान निकोबार का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। इस संदर्भ में हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दीपों के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, दीपों के लोकसभा प्रत्याशी माननीय विष्णुपद राय जी, दीपों के लोकसभा चुनाव के कन्वीनर और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी, दीपों के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीत रेख जी आपके समक्ष है। तो मैं सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरुआत करते हुए दीपों के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से गुजारिश करूंगा कि आपको वो संबोधित करें। माननीय अजय बैरागी जी, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे मीडिया कन्वेनर मोहन विनोद जी ने बहुत ही कम समय था हमारा हाथ में, आप सबको निमंत्रण दिया है और आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में सभी मीडिया बंधु यहाँ पर उपस्थित हुआ, मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लोकसभा के जो प्रत्याशी आदरणीय विष्णुपद राय जी, मैं उनको तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनको ये शुभेच्छा और ये शुभकामनाएं भी मैं देना चाहता हूं। इसके पहले वे 3 बार अंडमान निकोबार में सांसद के रूप में अपना सेवा प्रदान किया और 4थी बार केंद्रों ने उनको प्रत्याशी बनाए, उनको हार्दिक अभिनंदन। हमारे जो इस बार का जो ऑब्जर्वेशन चुनाव का जो प्रोसीजियर, चाहे हमारे केंद्रीय समिति का प्रोसीजियर हो, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका मार्गदर्शन, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हमारे प्रिय नेता अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारे जो केंद्रीय समिति जो काम किया, उसमें जो सबसे पहले 195 जो सीट डिक्लेयर हुआ है प्रथम चरण में, और उसमें अंडमान का नाम उन्होंने इंक्लूड किया और अंडमान का प्रत्याशी को भी उन्होंने घोषणा किया, मैं इसका लिए हमारे सभी केंद्रीय टीम, सभी केंद्रीय चुनाव समिति के टीम को पूरे अंडमान निकोबार इकाई की ओर से उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपका माध्यम से मैं देना चाहूंगा। मित्रों, चुनाव का प्रत्याशी घोषणा होने का बाद में दीपों के कार्यकर्ता बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में जमीनी स्तर पर किस तरह हम लोग चुनाव जीतेंगे अपना लक्ष्य में उतर पड़े हैं। चारों ओर हमारे कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं और मैं खास करके केंद्रीय नेतृत्व को इसीलिए मन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार का जो घोषणा हुआ,
इस बहुत ही समय रहते हैं हमारा हाथ में है अब तक, और इतना जल्दी ये जो ये घोषणा, ये हमारा लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारा लिए सौभाग्य का बात है। मैं सभी द्वीपवासियों को अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के आपका माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि द्वीपवासी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, और इस बार का भी जो चुनाव होगा इस चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी आदरणीय विष्णुपद राय जी को भारी से भारी वोट देकर उनको जीताकर पार्लियामेंट में भेजने का आशीर्वाद वो हमें प्रदान करेंगे, ऐसा मैं समस्त द्वीपवासियों से मैं आग्रह करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि द्वीपवासियों का आशीर्वाद हमेशा हमारा ऊपर में रहा, और इस बार भी बहुत बड़ा आशीर्वाद बनने जा रहा है। चुनाव हम जरूर जीतेंगे, भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप सभी मीडिया बंधु आपने यहां पर आए हैं, आपको फिर से मैं हृदय से मैं धन्यवाद करूंगा, और ये भी आग्रह करूंगा क्योंकि अभी चुनाव का सिलसिला, चुनाव का काम शुरू हो चुका है, हम बीच बीच में ही आप सभी को यहाँ पर बुलाने का कष्ट करेंगे, और आपका सहयोग और आपका समर्थन हमेशा हम सबको मिलते रहेंगे। इतना ही बोलकर मैं हमारे आदरणीय विष्णुपद राय जी को अनुरोध करूंगा कि सभी मीडिया बंधुओं को अपना एड्रेस करें। धन्यवाद। आदरणीय अजय भैरगे जी, हमारे टूरिज्म प्रेस कॉन्फ्रेंस का अधिकारी भाई विनोद जी और पार्टी के अन्य अधिकारी, आप सबको हार्दिक अभिनंदन। एक नया मीटिंग शुरू होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी जी का आदेश में आशीर्वाद में विजयी बनने के लिए एक बिग मार्जिन, ह्यूज मार्जिन लेके ऐसा उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द्वीप समूह में मेरा जो बातचीत सुना, क्योंकि ये सीट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आम जनता का इच्छा था, मनोकामना था, इसको ठीक से नापा, अनुभव किया वह माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, उसका आशीर्वाद में हम लोग को सीट मिला। और मैं इतना कह सकता हूं, थोड़ा बहुत तो मैं अंडमान निकोबार की सेवा करने का मौका मिला, मेरे पर पैसा मारने का आरोप करने का, चोरी करने का आरोप आज तक कोई लगाया नहीं। अगला 5 साल भी मेरे घर ऐसे ही रहेगा, कोई आरोप का मौका आपको नहीं मिलेगा। करप्शन से मुक्त मैं रहा और रहूंगा। द्वीप समूह का बहुत सा प्रॉब्लम्स बढ़ा, एक है नेशनल हाईवे एनएच, जब मैं सांसद में था 14-19 तक तो सैंक्शन हुआ था, फेज वाइज हुआ था। फर्स्ट फेज में उत्तरा ब्रिज था और पोर्ट ब्लेयर का एक पार्ट था, ये ढंग से हम लोग को चेड़पू तक रास्ता बढ़िया से बना। नेशनल हाईवे बनने से फायदा क्या होता, ये पूरा फंड पार्लियामेंट चाहते ही रहेगा। नेशनल हाईवे का बहुत कैरेक्टरिस्टिक बहुत है, अभी ब्रिज बन रहा है, कलबर्ट बन रहा है, वाइडनिंग करते ये बढ़ती रहेगा, टेलराबाद ब्रिज बन गया, सीबीआर ब्रिज बन गया, ऐसे नेशनल हाईवे का डिकीपुर का अंत तक ये बनेगा। एक प्रॉब्लम हुआ बराटा ब्रिज को लेकर, वो अधूरा छोड़ के चला गया कंपनी, एनएच का हाँ काम मिडिल नॉर्थ पे अधूरा करके चले गए। उसको मैं वादा कर सकता हूँ पार्टी का तरफ से और मेरी तरफ से, पार्टी भी इसमें वादाबद्ध है, कमिटमेंट दिया, बराटंग ब्रिज भारत ब्रिज सरकार बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। उसके बाद एनएच का जो फेज है मिडिल नॉर्थ में
वो काम पूरा होगा पूरा होगा पूरा होगा। इसमें हमारा पार्टी और मैं विश्वनाथ राय आपको वादा करता हूं, एक चाताम बामपट का बीस एक इश्यू हम लोग को था। हम जब सरकार में थे पहला बार इतिहास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जे रॉसल से अंदर जाने के लिए हार्बर जाएंगे यहाँ जेटी के पर्मिशन डिफेंस नहीं देगा। मनोहर पर्रिकर जी जब था मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर था उन्होंने पर्मिशन दिया उसे दिया। उस पश्चात 14-19 के बीच में प्रोजेक्शन बना था ड्राइंग बना थोड़ा बहुत कमी कारण से वो टाइम में नहीं हुई। मैं वादा करता हूँ जो अगला सत्र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का दीप आशीर्वाद में शायद मैं जीत सकता हूँ तो ये पूरा पूरा चाताम बाउंड्री ब्रिज बनेगा 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 ही बनेगा इसमें कोई डाउट आपको लगता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट था जब सुनामी आया था सरकार कांग्रेस में थे खेत डूब गया था जिसने किसान को लूटा कांग्रेस सरकार सुनामी के नाम पर रुपया लूट ट्रैक्टर लूट गायती लूट खेत पर आए डूबा दे रहे ट्रैक्टर गायती उसे सुना आपने। सबसे बड़ा चीज जमीन का दाम क्या दिया मामूली 9 लाख उसके लिए आंदोलन किया था धरना किया था। हमारा गवर्नमेंट का समय काल में एक कमेटी बना शिखर सिंह कमीशन आया 9 लाख से 15 लाख करने का उन्होंने अनुमोदन किया था। ये चीज पूरा नहीं हो सका इसे पूरा होगा उनका बकाया रुपया मिलेगा ये मेरी तरफ से वादा है वादा पार्टी तरफ से है। बाकी समस्या और भी है क्योंकि हम लोग कुछ कुछ काम तो किया सरकार मोदी के समय काल में एनकॉल मेडिकल कॉलेज ओएफसी केबिल मेरीन शिपयार्ड का काम चल रहा है अभी उसी समय पर हुआ था। उसी समय काल में इन गाटकर जी केमिस्ट्री से आज जो नया नया जहाज नालंदा आया ये आया वो टाइम बना शिपयार्ड भी बना। हमारा पीरियड समय काल में शायद अंडमान निकोबार को जितने रुपया मिला वो करीब 13,000 करोड़। अजीब बात है अंडमान इतिहास में प्रधानमंत्री का एक फंड होता है SFC अधिकार 100 करोड़ का है वो फंड मिला के दिया हम लोगों ने घोषणा मोदी जी 2018 में किया था अभी वो काम डिप्टी कर रहे हैं। अंडमान इतिहास में पहले बार रोड फंड है सेंट्रल रोड फंड CRF फंड पहले कभी नहीं आया 345 करोड़ फंड लाया दिया मिशन काउंसिल को 33 करोड़ बाकी गांव में रोड ब्रिज आदि आदि बन रहा है कुछ बन चुका है। पीएम जैसे का फंड हमें लेके दिया था वो डिले कारण से आज उसका काम चल रहा है और मुझे भरोसा है मोदी जी को अंडमान से बहुत प्रेम है। मैं उनको जानता हूं 92 से तब पार्टी बना था मोदी जी संगठन मंत्री थे युवा आज जो मंत्री है दमन प्रधान बाकी लोग को लेके सिल्लत जेल में आया था इसमें आप लोग भी था हम लोग भी थे। बाद में मेरा आप तो राजनीति में परिचय उनका साथ रहा जितना प्रेम मोदी जी से हमको मिला वो अंडमान वासी को उदाहरण है। जितने अंडमान के लोग अंडमान से गए बिना पूछताछ में हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स टू पीएम ऑफिस अंडमान निकोबार इंडिया दिया और कोई नहीं कोशिश बहुत है निकोबार को लोग भी गए और बहुत प्रेम आदर से उनसे मुलाकात हुआ उनका प्रेम अलग है अंडमान निकोबार के लिए। और मुझे भरोसा है पार्टी प्रोग्राम बनाएंगे मिनिस्टर बनाएंगे पार्टी क्या क्या काम करेंगे उसको लेके हम सब चलेंगे। और मंत्रालय में मैं हर व्यक्ति को जानता हूँ करीब करीब मंत्रालय में कैसा फाइल मूवमेंट करना पड़ता है कहाँ से फंड लाना पड़ता है
वो जानकारी मुझे कम से कम सीख सका। कुछ डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल रिहाई, एसमनी पुलिस का, वन थर्ड पीडब्ल्यूडी का, ऐसा बहुत सा काम उस पर हम लोग कर सके। वेमन जोड़ने से आप बताओ, पुलिस कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक एक्शन मनी जोड़ा है जब इंटू 12 मंथ्स इंटू ईयर कितना लाख मान्यमान को मिला। हम जब सांसद थे, हार्ड अलाउंस शुरू किया, मैं निकोबार ग्रुप में अंतर अलाउंस बाद मिडिल नॉर्थ को हार्ड अलाउंस हुआ। इसे फायसा अंडमान में फायर ब्रिगेड को डिस्काउंट दिया 3,000 रुपया और बाकी बहुत सा बाकी भी है। आंगनबाड़ी का तनखा ऑनरियम बढ़ाया गया, ये अतीत का कहानी है। करीब करीब हर मुद्दे में आप लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह 90 का पार्टी सत्ता में आने के बाद बहुत अच्छा काम किया कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। इस काम में मैं एक चीज कह सकता हूं, मैं चोर नहीं ये भी बोल सकता, आरोप मेरा 1% करप्शन के ऊपर नहीं है, आगे भी लगेगा नहीं। मेरा घर कोई जगह देख सकता है, फोटोग्राफी कर सकता है, ये मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये हमारे बारे में जानकारी ले। मैं दौरा शुरू कर दिया और पार्टी की तरफ से आदेश दिल्ली में आया 15 मार्च तक दीपों का आवाज, दीपों का सजेशंस डिमांड मांगा है, उससे अंडमान का मटर उठेगा। और मोदी जी जो काम किया है, सबसे बड़ा चीज सोच लीजिए, कांग्रेस सचमुच परिवार का पार्टी है। एक उदाहरण दूंगा आपको पंडित नेहरू जी का, कोको आइलैंड स्मॉल एंड बिग, डिग्रीपुर से दूर है 50 किलोमीटर दूर में, लेडी माउंटबेट ने मांगी बिंदी देखा कोको आइलैंड दे दिया बर्मा को, चाइना बन गया। कांग्रेस पार्टी अंडमान में चाइना को दिया, चाइना क्या किया, गूगल में जाओ, चाइनीज कोको आइलैंड में बैठा है आम मिशन्स 500 ले लिए, उसको भी नहीं मुझे आए। आज कह सकता हूं पूरा द्वीप ब्रह्मोस टेस्ट हुआ, सही है कि नहीं पूरा अस्त्र का भंडार, प्रोडक्शन, सुरक्षा, उसका पूरा जोरदार काम कर रहे हैं। अनल प्लान फंड बात, प्लान फंड छोड़ के कैंबेल भी कैपोजिट कितना है 93,000 करोड़ करिए। कैंबेल में जो क्या बनेगा फ्यूचर, वो सोच सकते हैं हम लोग, विला, शिपयार्ड, डिफेंस प्रोजेक्ट्स, अदर प्रोजेक्ट्स। और कैंबेल बे ऐसा आइलैंड है, जो आइलैंड में को लोग बोलता, जब लक्ष्मण को शेर लगा था तो हनुमान जी ने कैंबेल में आया था, फिर कैंबेल में रुद्राक्ष मिलता, प्रगति पर रुद्राक्ष मिलता नहीं, तो कैंबेल बे का आशीर्वाद क्या होगा अभी सोच सकता नहीं। बहुत बड़ा कैंबेल बे बनेगा। डिगलीपुर द्वीपों में इसकी प्लान में है, नया बनेगा एयरपोर्ट 5 किलोमीटर्स, डिफेंस कोस्ट गार्ड के लिए मंत्री सोनाल जी आए थे, डीप सी कोस्ट गार्ड डिप्टी बन रहा है हमारा शिप नसरी कलकलीघाट में, दुर्गापुर नहीं, आबादी जेटी है डिग्रीपुर का, आज डिप्टी है वहां बनेगा, वो बेटी का काम भी फाउंडेशन हो चुका है, इसको बोलते एरियल बे, एरियल वो काम चल रहा है, शुरू हो गया, उसके भी चलता है। नंबर वन साउथ अंडमान में भी एक एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट का प्रोटोकॉल चल रहा है, लंबा 5 किलोमीटर्स। इतना कनेक्टिविटी जोड़ने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस, प्रिपरेशन ऑफ चाइनीज एग्रेशन एंड अंडमान का रोजगार, अंडमान का टूरिज्म कहां पहुंचेगा, इससे आप सोच सकते हैं, हम भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। ऐसा बहुत सा प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक खुशखबरी दूं, कोचीन शिपयार्ड यहाँ पर मेरिन डिपार्टमेंट आ गया है,
जब मैं था सरकार में, इन गडकरी जी कोचिंग शिपयार्ड अंडमान भारत सरकार का है, अपना गवर्नमेंट का नहीं, से कोचिंग शिपयार्ड मेरे डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। अब स्कूल गया उसको स्टाफ बना दिए भाई, तो पूरा पूरा जो शिपयार्ड का ATI के लैंड प्रोजेक्शन था, हम लोग शिप रिपेयर यार्ड हो वो भी उनके पास जाएगा, और पूरा अंडमान का जितना शिपिंग मटेरियल्स होगा, शिपिंग काज होगा, सब कोचिंग शिपयार्ड करेगा भारत सरकार। संस्था आ गया इधर, हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा किसके पास जाएगा, भारत सरकार संस्था है वे काम करेंगे। तो शिपिंग सेक्टर में एक बड़ा रेवोल्यूशनरी काम होगा, ये जानकारी हमको मैं दिया। बाकी तो द्वीप समूह में समस्या बहुत है, डेवलपमेंट होना डेवलपमेंट चलते रहेगा, और सरकार के पास इतना फाइनेंस में मोदी जी का सरकार जो रिविजन कर दिया गया, उसमें अंडमान भी उस आमदनी में उस पैसा में अंडमान को शेयर उन्होंने देंगे, उन्होंने दिया है। और मैं तो थोड़ा बहुत चिल्लाने जाने में मांगने में थोड़ा बहुत योग्यता अर्जन कर दिया, क्या बात, इसलिए ये काम तो मैं करा हूँ। और मोदी जी से अमित शाह से नाता मेरा अच्छा है, इतना ही कहना था।